12 रूल्स ऑफ लाइफ, जिससे आप सीखेंगे कि अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड कैसे करें, अपने प्रॉब्लम्स या परेशानी से कैसे दूर रहें और खुद के अकेलेपन से कैसे बचें। स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी बुक वाणी में और आप सुन रहे हैं पूनम दीक्षित के साथ 12 रूल्स ऑफ लाइफ, जिसे लिखा है जॉर्डन पीटरसन ने। रूल्स एक, कंधे ताकर सीधे खड़े हो। जब आप सीधे खड़े होकर गहरी सांस लेंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे, इसलिए अपने सिर को ऊंचा रखें, इसे झुकाएं नहीं और स्माइल करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाता है। सेरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन है जो आपके नसों को आराम देता है और आपके इम्यूनिटी को मजबूत करता है, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे विचार यानी कि थॉट्स आते हैं। आइए इस एक एग्जांपल से समझते हैं। लॉबस्टर यानी केकड़े समुद्र की गहराई में सरवाइव करने के लिए बहुत संघर्ष करता है। जब केकड़े लड़ाई करता है और वह जीत जाता है, तब वो अपने आप को और बढ़ा दिखता है और उसके बॉडी में केमिकल होता है सेरोटोनिन, जो रिलीज हो जाता है। और अगर कोई केकड़ा हार जाता है तो वह और छोटा हो जाता है, जिससे उनके अंदर सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है। इसलिए एक अच्छी पोस्चर वाला केकड़ा अपने एरिया का विनर होता है। वो आसानी से अपने शिकार को फंसा सकता है। वही दूसरी ओर एक झुका हुआ केकड़ा हमेशा एक लूजर होता है। उसके बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल कम होता है। इंसान भी इस पहलू में बिल्कुल केकड़े की तरह ही होते हैं। इसलिए खुद को लूजर मत समझिए। अच्छे मौकों आपको तभी मिलेंगे जब आप पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव बातें सोचेंगे। तो आज से ही तन कर चलना शुरू कर दीजिए और अपने बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाइए। रूल्स दो, स्वयं को उस व्यक्ति की तरह देखें जिसकी मदद करना आपके जिम्मेदारी है। जब हमारा कोई फैमिली मेंबर बीमार पड़ जाता है तो हम उनका कितना ध्यान रखते हैं। हम उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उन्हें समय पर दवाई देते हैं और हर वो चीज करते हैं जिससे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन जब हम खुद बीमार होते हैं तो अपना ध्यान नहीं रखते, समय पर डॉक्टर के पास नहीं जाते और अगर डॉक्टर के पास चले भी गए तो समय पर दवाई नहीं खाते। दोस्तों, आपको खुद से भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितना आप अपने परिवार से करते हैं। अगर आप खुद पर कंट्रोल करना और डिसिप्लिन में रहना सीख लेते हैं तो जरा सोचिए आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी और आप कितना ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। अगर आप स्वस्थ और खुश होंगे तो इसका पॉजिटिव असर आपके लाइफ के हर पहलू पर पड़ेगा, जिससे आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। तो इसलिए आज से ही खुद का परवाह करना और अपना ध्यान रखना शुरू कर दें। रूल्स तीन, जो लोग आपका भला चाहते हैं उन्हें अपना दोस्त बना ले। अगर कोई ऐसा इंसान आपका दोस्त है जिससे दोस्ती करने के लिए आप कभी किसी और को नहीं कहेंगे, तो भला आपने खुद उसे अपना दोस्त क्यों बना रखा है। इसलिए आपको ऐसे लोगों को दोस्त बनाना चाहिए जो चीजों को बेहतर बनाना चाहते हो, जो आपके लक्ष्य को पाने में मदद करता हो। और अगर आप कुछ गलत करते हो तो आपको डांटने और सही रास्ते पर चलने के लिए कह सकने का हिम्मत रखता हो। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ऑथर कहते हैं कि उनका एक दोस्त था एड, जो बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट था। वो दोनों साथ में पार्टी करते थे। ऑथर ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया लेकिन एड नशा करने लगा था। वो ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताने लगा जो कॉलेज बीच में ही छोड़ चुके थे। एक दिन ऑथर ने एड को अपने घर बुलाया लेकिन एड अकेले नहीं, उसके साथ उसका दोस्त कार्ल भी साथ में आया था। ऑथर उन्हें देखते ही समझ गए कि वो दोनों नशे में चूर हैं। आखिर ऑथर एड को एकांत में ले गए और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहा। ऐसे लोगों के साथ रहना जो नशा करते हैं, आलसी है और लाइफ में जिनका कोई पर्पस नहीं है, बहुत दुख की बात है। लेकिन आप किसके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, ये सिर्फ आपकी चॉइस है। इसलिए दोस्तों, लाइफ में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है।
अपने अंदर विनम्रता लाए और जरा साहस दिखाए। अपनी निर्णय क्षमता का इस्तेमाल करे और स्वयं को ऐसे लोगों से बचाए जो गलत रिश्ते पर चल रहा हो और लोगों से जुड़े जो लोग आपका हित चाहते हैं, और उन्हें अपना दोस्त बना ले। रूल्स 4, अपनी तुलना अपने पिछले कल से करें न कि दूसरे से। ऑथर कहते हैं कि आप भले ही किसी स्किल में महारथी हो, पर आपको कोई न कोई ऐसा आदमी जरूर मिल जाएगा जिसके सामने आप असमर्थ नजर आएंगे। इसलिए अगर आप एक गिटारिस्ट हैं, तो खुद को जिमी पेज से कंपेयर मत कीजिए, और अगर आप शेफ हैं, तो खुद को मास्टर शेफ गॉर्डन रामसे से कंपेयर मत कीजिए। आपके पास अपने एक यूनिक स्किल्स हैं, इसलिए आप उनसे अलग हैं, उनसे कम नहीं। आप खुद में एक यूनिक इंसान हैं, और बिल्कुल आपके जैसा इस पूरी दुनिया में दूसरा कोई इंसान नहीं है। इसलिए आप जैसे हैं, खुद को वैसे एक्सेप्ट करें। आपके जो हुनर हैं, उन्हें बेहतर कीजिए। दोस्तों, अगर आप दूसरों की नकल करेंगे तो ना उनके जैसा बन पाएंगे और ना आपकी खुद की कोई अलग पहचान बन पाएगी। इसलिए खुद को दूसरों से कंपेयर करने की बजाय आप कल क्या थे उससे खुद को कंपेयर करें। ऐसा करने पर ही आप असल में फर्क देख पाएंगे। हर दिन खुद को कल से अच्छा बनाने की कोशिश करें। इससे आपको सच में खुद पर प्राउड फील होने लगेगा। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना आपको नेगेटिव बना देगा, आपके आत्मविश्वास को कम कर देगा। इसलिए आपका लक्ष्य खुद को कल से भी एक बेहतर इंसान बनाने का होना चाहिए। रूल्स 5, अपने बच्चों को ऐसा कुछ न करने दे जिससे आप उन्हें नापसंद करने लगे। ऑथर कहते हैं कि एक 3 साल का बच्चा एक भीड़भाड़ वाले एयरपोर्ट पर अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे चल रहा था, जो बहुत शरारत कर रहा था। वह सबके सामने जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसके माता पिता उसे अनदेखा कर रहे थे और वो बहुत शर्मिंदा भी हो रहे थे, लेकिन बस आगे चलते जा रहे थे। बच्चा अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे चल रहा था। वो सिर्फ उनका ध्यान अपनी ओर करने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है कि उसे कुछ चाहिए था, लेकिन क्योंकि उसके पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, अगर उसका पेरेंट्स एक बार रुककर उससे बात करते तो प्रॉब्लम वही सोल्व हो जाती। वो बच्चा शैतानी करना और चिल्लाना बंद कर देता। इसलिए दोस्तों, बच्चे को सही और गलत के बारे में सिखाना आपकी जिम्मेदारी है। शांत और जिम्मेदार पेरेंट्स एक डिसिप्लिन बच्चे को बड़ा करते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे को नई चीजें सीखने और जानने के लिए खुला छोड़ देते हैं, और साथ ही उनके लिए लिमिट भी सेट करते हैं। और अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो उसे तुरंत रोक दें। ऐसा करने से वो बच्चा सही और गलत में फर्क करना सीख जाता है। इसलिए आप अपने बच्चे के साथ समय बिताएं, उसे इस बात का एहसास कराए कि आप उसे प्यार करते हैं और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उन्हें मारने, डांटने या सजा देने से आप ये कभी हासिल नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो आपसे दूर होते चले जाएंगे। रूल्स 6, दुनिया की आलोचना करने से पहले अपना घर संभाले। क्या आपने उन सभी मौकों का पूरा लाभ उठाया है जो आपको दिए गए? क्या आप अपनी नौकरी या करियर में कड़ी मेहनत कर रहे हैं? क्या आप अपने जीवन साथी और बच्चों से सम्मानजनक व्यवहार करते हैं? क्या आप ऐसी आदतों के गुलाम हैं जो आपके स्वास्थ्य और हितों के लिए सही नहीं है? क्या आप अपने जीवन में सुधार ला पाए? अगर इसका जवाब ना है तो अब जरा ये कोशिश करके देखिए। वह कार्य करना बंद कर दीजिए जिसके बारे में आप जानते हैं कि वह गलत है। इसकी शुरुआत आज से ही कीजिए। अपने जीवन में बस वही करें जिसके बारे में बात करते समय आपको गर्व महसूस हो। दुनिया की आलोचना करने से पहले अपना घर संभालें। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एंटोन चेखोव के पिता को शराब पीने की आदत थी। वो नशे की हालत में रोज अपने बच्चों को मारते थे। उनका परिवार गरीब था और वे एक छोटे से मकान में रहते थे। एंटोन के भाई बिल्कुल अपने पिता की तरह हो गए थे, लेकिन एंटोन ने बहुत मेहनत की और पढ़ाई में ध्यान लगाया जिससे उसको स्कॉलरशिप मिल गया।
उन्होंने खुद पर अपने माहौल का असर नहीं होने दिया। अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हुए एंटोन ने एक बहुत अच्छी मिसाल पेश किया। उन्होंने अपने भाइयों को भी बदलने के लिए एनकरेज किया। अपने घर के माहौल को बदला और आगे चलकर एंटोन बहुत सक्सेसफुल लेखक बने। आज भी उनके बुक्स ना जाने कितने लोगों को इंस्पिरेशन दे रहे हैं। रूल 7, वह हासिल करने की कोशिश करें जो महत्वपूर्ण हो, न कि वह जो सुविधाजनक हो। मोमेंट में मजे करने के बजाय अपनी फ्यूचर और पूरी लाइफ के बारे में सोचें और ये देखो कि आपका पैशन क्या है, आप किस लिए जीते हैं, आपका सच क्या है और उसे फॉलो करना स्टार्ट करें। अपने आप से पूछें कि आप इस दुनिया को कैसे बेहतर बना सकते हैं और आपको आज ऐसा करना है जो आपको फ्यूचर में काम आए। जब आप किसी मकसद को पूरा करने में अपनी लाइफ लगाएंगे, तब आप देखेंगे कि आप ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं। रूल्स 8, हमेशा सच बोलें या कम से कम झूठ न बोलें। ऑथर कहते हैं कि एक समय था जब वो अपनी वाइफ के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रेंट पर रहा करते थे। उसका मकान मालिक डेनिस थे, जिसे शराब पीने की लत थी। वो अपने काम के समय को छोड़कर पूरा दिन नशे में धुत रहता था। कई बार तो वो सिर्फ दो ही दिन में बियर की 60 बोतल पी जाता था। वह अपने सारे पैसे शराब में उड़ा देता था। जब कभी उसके पैसे और शराब खत्म हो जाते तो वह ऑथर का दरवाजा खटखटा देता था, चाहे आधी रात ही क्यों ना हो रहा हो। और साथ में वो माइक्रोवेव टोस्टर लेके आता था और उसे ऑथर यानी कि जॉर्डन को बेचने की कोशिश करता थे। जॉर्डन ने एक दो बार उसका सामान खरीदा भी, लेकिन जॉर्डन की वाइफ का कहना था कि डेनिस को ये सब करना बंद करना होगा। जॉर्डन बहुत नर्वस थे। वह नशे में धुत एक शराबी को कैसे समझा पाएंगे कि ये सब अब नहीं चल सकता। फिर जॉर्डन ने सच बोलने का फैसला किया। उन्होंने डेनिस को सीधे सीधे कह दिया कि वो कोई सामान नहीं खरीदना चाहते। उन्होंने उसे समझाया कि उसकी भलाई इसी में है कि उसे और पैसे ना दिए जाए। जॉर्डन ने जो हकीकत था उसे साफ साफ बता दिया। 15 सेकंड तक डेनिस जॉर्डन को देखता रहा और उसके मन को पढ़ने की कोशिश करता रहा। उसने जॉर्डन के शब्दों में सच्चाई और ईमानदारी को महसूस किया। फिर वो मुड़ा और वहां से चला गया। डेनिस ने फिर कभी जॉर्डन को कुछ भी बेचने की कोशिश नहीं की। अगर आपका जीवन वैसा नहीं है जैसा यह हो सकता है, तो सच बोलने का प्रयास कीजिए। अगर आप खुद को कमजोर, हताश, ठुकराया हुआ और उलझन में महसूस करते हैं, सच बोलने का प्रयास कीजिए। झूठ से सिर्फ एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। भले ही वो किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करने के लिए बोला गया हो, वो फिर भी झूठ ही होता है। रूल्स 9, यह मानकर चले कि आप जिस व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं, शायद वह कुछ ऐसा जनता हो जो आपको न पता हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उन्हें सुने और समझे, क्योंकि वो खुद को वो बहुत अकेला महसूस करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपने मन की बात कहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता। और अगर ऐसा बहुत लंबे समय तक चलता रहा तो ये मानसिक रोग यानी कि डिप्रेशन का रूप ले लेता है। अगर आप ऐसे लोगों से कुछ कहते भी नहीं, सिर्फ उन्हें ध्यान से सुनते हैं, तो आप उनकी बहुत मदद कर सकते हैं। उसे ये जताएं कि आपको उसकी परवाह है और आप उसकी कंडीशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसे बिना शब्दों के कम्युनिकेट व संवाद करना कहते हैं। बोलने वाला आपके हाव भाव से समझ जाता है कि आप उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, आपको उनसे हमदर्दी है या नहीं, या आप भरोसा करने लायक हैं या नहीं। अगर आप उसे कोई सलाह नहीं भी देते तो उसे बोलकर अपने मन को हल्का कर लेने दीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग खुद अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ पूरे ध्यान से सुने। रूल्स 10, सटीक और स्पष्ट शब्दों का उपयोग करें। जब हम अपने प्रॉब्लम को पहचान नहीं पाते तो वो धीरे धीरे और ज्यादा बड़ी और बदतर होने लगता है।
अगर आप किसी प्रॉब्लम की जड़ को नहीं समझ पाए तो आप उसे कभी हल भी नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि हमें बहुत सोच समझ कर बोलने की जरूरत है। यह मत कहिए कि सब कुछ गलत है, लेकिन यह भी मत कहिए कि कुछ भी गलत नहीं है। बढ़ा चढ़ा कर या कम करके नहीं, बल्कि जो प्रॉब्लम है बस वही बोलिए। एक बार जब आप प्रॉब्लम को पहचान लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाता है कि उसे कैसे सोल्व करना है। रूल्स 11, जब बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे हों तो उन्हें परेशान न करें। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों के प्रति जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। वो अपने बच्चों पर कई चीजों की पाबंदी लगा देते हैं और वो हमेशा बीच में आकर बच्चे की प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि बच्चा डरपोक और अंदर से कमजोर हो जाता है। वो अपने पेरेंट्स की मदद पर निर्भर हो जाता है और वो खुद कोई डिसीजन नहीं ले पाता। ऐसा अपने बच्चे के साथ ना होने दें। अगर आपके बच्चे का अपने फ्रेंड के साथ झगड़ा हो जाता है तो उसकी बात ध्यान से सुने, लेकिन उन दोनों के बीच आप इंटरफेयर नहीं करें और ना ही आप उसकी प्रॉब्लम को हैंडल करें। ये काम उसे खुद करने दें। इससे आपके बच्चे को खुद ये पता चलता है कि उसे क्या करना चाहिए। इससे उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगेगा और वो किसी पर निर्भर होने की बजाय प्रॉब्लम को हैंडल करना सीख जाएगा। रूल्स 12, अगर रास्ते में कोई बिल्ली नजर आए तो उसे पाल ले। हम सब बहुत व्यस्त हैं और बस दौड़ते ही जा रहे हैं, कोई रुकना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा रुकना बहुत जरूरी है। जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का आनंद उठाए। हो सकता है कि घर लौटते वक्त आपको सड़क पर एक बिल्ली दिख जाए जो खाने की तलाश कर रही हो, और इसे देखकर आपके चेहरे पर स्माइल आ जाए। इसलिए रिलैक्स रहना सीखे, थोड़ा रुकना सीखे। आप कुछ देर रुककर बिल्ली को प्यार से सहला सकते हैं। यह प्रकृति बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ रुककर इसे देखने का वक्त किसी के पास नहीं है। दोस्तों, हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए। आप अपनी जिंदगी के हर पहलू को आर्डर में ला सकते हैं, बस आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और अमेजिंग बुक समरी सुन सके। चलिए फिर मिलते हैं अमेजिंग बुक समरी के साथ।